सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया है। साथियों, आज जब मैं कच्छ में खड़ा हूं तो यहां हमारी नेवी का जिक्र भी उतना ही स्वाभाविक हो जाता है। ये गुजरात का समुद्री तट देश की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए यहां की समुद्री सीमा भारत विरोधी षड्यंत्रों का सबसे ज्यादा सामना करती है। कच्छ के इसी क्षेत्र में भारत की अखंडता का उद्घोष करती ये सर क्रिक भी है। अतीत में इस क्षेत्र को रणभूमि बनाने की कोशिशें भी हुई। देश जानता है सर क्रीक पर दुश्मन की नापाक नजरें कब से टिकी है, लेकिन देश निश्चिंत भी है क्योंकि सुरक्षा में आप तैनात हैं। दुश्मन को भी पता है 1971 के युद्ध में किस तरह आपने मुंहतोड़ जवाब दिया था, इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सर क्रीक और कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। साथियों, आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के एक इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सर क्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था, और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया, मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। साथियों, 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए आज हम अपनी सेनाओं को, हमारे सुरक्षा बलों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं। हम हमारी सेनाओं को विश्व की सबसे आधुनिक
मिलिट्री फोर्सेस की कतार में खड़ा कर रहे हैं। हमारे इन प्रयासों का आधार है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत। अभी कुछ ही दिन पहले यही गुजरात के वडोदरा में C295 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। हमारा अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। पहले भारत की पहचान हथियार मंगाने वाले देश की थी। आज भारत दुनिया के कितने ही देशों को डिफेंस उपकरण एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ गया है। साथियों, सरकार के इस विजन को सफल बनाने में हमारी सेनाओं और सैन्य बलों के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है। हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई दूंगा कि उन्होंने 5000 से अधिक सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाई है जो वो अब विदेश से नहीं खरीदेंगे। इससे सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति भी मिली है। साथियों, आज जब न्यू एज वॉरफेयर की बात होती है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसका एक अहम टूल बन गई है। हम देख रहे हैं युद्ध में शामिल देश आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से निगरानी हो रही है, ड्रोन से खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। किसी व्यक्ति या जगह की पहचान करने में ड्रोन का उपयोग हो रहा है। ड्रोन सामान पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हथियार के रूप में भी हो रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए भी चुनौती बनकर के उभर रहा है। ऐसे में भारत भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी सेनाओं को, अपने सुरक्षा बलों को सशक्त कर रहा है। सरकार आज 3 सेनाओं के उपयोग में आने वाले प्रीडेटर ड्रोन खरीद रही है। ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़ी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और मुझे खुशी है कि कई भारतीय कंपनियां पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन बनाने में भी लगी हैं। ढेर सारे स्टार्टअप मैदान में आए हैं। साथियों, आज युद्ध की प्रकृति बदल रही है। आज सुरक्षा के विषय भी नए नए पनपते जा रहे हैं। भविष्य की चुनौतियां और जटिल होंगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं को, हमारे सुरक्षा बलों की क्षमताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए
और खास करके हमारी तीनों सेनाओं के लिए उनका प्रदर्शन इस जोड़ने के प्रयास के कारण उनका सामर्थ्य कई गुना बेहतर हो जाएगा। और मैं कभी कभी कहता हूं कि एक आर्मी, एक एयरफोर्स और एक नेवी हमें एक 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 नजर आते हैं, लेकिन उनका जब संयुक्त अभ्यास होता है तो एक 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 नहीं 111 नजर आते हैं। सेनाओं के आधुनिकीकरण की इसी सोच के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की गई। इसने देश की सेनाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की दिशा में बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है जिससे सेना के तीनों अंगों के बीच और बेहतर तालमेल होगा। साथियों, हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की शुरुआत उसकी सीमाओं से होती है, इसलिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। BRO ने 80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें बनाई गई है। पिछले 10 वर्षों में BRO ने 400 के आसपास बड़े पुल बनाए हैं। आप जानते हैं, देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए हमारी सेनाओं के लिए टनल कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में अटल और सेला जैसी सामरिक महत्व की अनेकों बड़ी सुरंगों का निर्माण पूरा किया है। BRO देश के अलग अलग हिस्सों में टनल बनाने के काम को तेज गति से पूरा कर रहा है। साथियों, हमने सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव मानने की सोच भी बदली है। आज हम उन्हें देश का प्रथम गांव कहते हैं, आखिरी गांव नहीं, वो प्रथम गांव। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश के प्रथम गांवों का विकास किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज यानी सीमा पर बसे ऐसे वाइब्रेंट गांव जहां वाइब्रेंट भारत के प्रथम दर्शन हो। हमारा देश का तो ये विशेष सौभाग्य है कि हमारे ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों को प्रकृति ने विशेष आशीर्वाद दिया है। वहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, हमें उसे तराशना है, निखारना है। इसके जरिए इन गांवों में बसे नागरिकों का जीवन बेहतर होगा, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। वाइब्रेंट विलेज अभियान के जरिए हम ये होता देख रहे हैं। आप ही के हैं आसपास के जो दूर दराज के आखिरी गांव कहे जाते थे, जो आज पहले गांव है, वहां सीवीड का काम आपकी नजरों के सामने तेजी से बढ़ रहा है। बहुत बड़ा आर्थिक नया एक क्षेत्र खुल रहा है। यहां मैंग्रोव के पीछे एक बड़ी ताकत हम लगा रहे हैं। वो देश के पर्यावरण के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है, लेकिन ये मैंग्रोव के जो जंगल तैयार होंगे वो यहां के टूरिस्टों के लिए, और जैसे धोरड़ों में रणोत्सव ने पूरे देश और दुनिया को आकर्षित किया है, देखते ही ये इलाका
टूरिस्टों का स्वर्ग बनने वाला है, आपकी आंखों के सामने बनने वाला है। साथियों, इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के मंत्री भी सीमावर्ती वाइब्रेंट विलेज में जा रहे हैं।